इस पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं, जिनमें से एक ताजमहल भी है। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आई हूँ आगरा ताजमहल देखने, तो आइए आप भी मेरे साथ ताज की ब्यूटी का आनंद लीजिए। यह ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो लगभग 93 फीट ऊंचा है। ये लाल बलवा पत्थर से बनाए गए, जिसमें सफ़ेद संगमरमर से कुरान की आयतें भी जड़ी हुई हैं। बता देते हैं, ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है और इसकी एंट्री की 3 गेट्स हैं। सबसे बेस्ट है ईस्टर्न गेट, जो कि शिवग्राम पार्किंग एरिया के पास है। पार्किंग के पास वाले बुकिंग काउंटर में आपको बैटरी ऑपरेटेड बसेस मिलेंगे, जो आपको ताजमहल की एंट्री गेट तक पहुंचा देंगे और वहीं आपको वापस पार्किंग तक भी ले आएंगे। इंडियंस के लिए एंट्री फी 50 रुपीज़ है। अगर आपको रूम में एंट्री चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ पे करना होगा। कहा जाता है, बादशाह ने ताजमहल के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे अच्छे कारीगरों को बुलाया था। इनके तैयार होने में बहुत सा धन और समय लगा। यह भी माना जाता है कि उन्होंने लगभग 100 से भी अधिक डिज़ाइन को इनकार कर दिया था और अंत में इसे ही स्वीकृति दी। ताजमहल के चारों कोने पर चारों आकर्षक मीनारे हैं, उन्हें बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और वो थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा से वो ताजमहल की इमारत को सुरक्षित कर सके। कहा जाता है कि इसे निर्माण करने के लिए संगमरमर के पत्थर राजस्थान से लाया गया था। प्रतिदिन 20,000 शिल्पी और मजदूर काम करते थे। इसे निर्माण होने में 22 वर्षों का समय लगा। उस समय का 3 करोड़ रुपए इसके निर्माण में लगे हैं, ऐसा अनुमान किया जाता है। शाहजहाँ एवं मुमताज के 13 बच्चे हुए तथा सन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म के दौरान अत्यधिक प्रसव पीड़ा के चलते मुमताज का देहांत हो गया। मुमताज के मौत से शाहजहाँ अत्यधिक दुखी हो गए। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने ताजमहल को बनाने का आदेश दिया और उनकी कब्र को वहीं दफनाया गया है। बाद में जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो उनकी कब्र को भी मुमताज महल के कब्र के पास ही दफनाया गया। परिसर में मकबरे के पश्चिम में मौजूद ताज मस्जिद इस परिसर का भव्यता को बढ़ाने का कार्य करता है। मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसमें कुछ स्थानों पर सफ़ेद आयातकार संगमरमर की चढ़ाई की गई है। मस्जिद जैसी एक अन्य इमारत का निर्माण मस्जिद के ठीक सामने की तरफ अथवा मकबरे के पूर्व की ओर किया गया है, जो एक अतिथि गृह या मेहमान खाना है। यह दोनों लगभग एक समान दिखने वाली इमारतों पूरे ताजमहल परिसर की वास्तुकला को पूर्ण सममिति संतुलन प्रदान करती है। हाँ जी दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।